तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ीड़ितम कल्म शापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति भुरिदा जना। आज शारदीय कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा के अवसर पर विशेष सत्प्रसंग श्री माँ शारदा देवी के आविर्भाव के परिप्रेक्षित में कोजागरी लक्ष्मी पूजा की तात्पर्य। श्री माँ शारदा देवी एवं महालक्ष्मी के तुलनामूलक चर्चा। चर्चा से ये देवी शक्ति का विशेष मूल्यांकन हो जाता है। हम जानते हैं कि ये कोजागरी लक्ष्मी पूजा इस समय में होती है, शरद काल में, शरद ऋतु में, जब शस्य का उत्पादन होता है और घर में एक प्राचुर्य, एक आनंद का वातावरण होता है। इस अवसर पर धान्यलक्ष्मी की पूजा होती है। विशेषतः माना जाता है कि इस पूजा के रात्रि में महालक्ष्मी स्वयं धराधाम में अवतीर्ण होते हैं एवं सबके घर घर में जाके उनका श्री वृद्धि करके चले जाते हैं। यद्यपि वो रात्रि में उनका आगमन होता है, वो जो जागरण करते हैं उसके घर में पधारते हैं और वो पुकारते हैं को जागृति। इसीलिए इस रात्रि में जो रात्रि जागरण का प्रथा है एवं घर के ऊपर में दिया जलाया जाता है, आकाश प्रदीप जिसको कहलाता है, ताकि अगर महालक्ष्मी आके पधारें तो दिया देख के उनके घर में पहचानने में उनका कोई असुविधा नहीं होगा। इसी प्रकार एक कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा की उल्लेख भगवान श्री रामकृष्ण की जीवनीकार स्वामी शारदानंद जी दिए हैं श्री श्री राम के लीला प्रसंग में। सन 1820 ईस्वी में 1820 AD तब भगवान श्री रामकृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले कमारपुकुर में उनके अग्रज राम कुमार चट्टोपाध्याय जी के तब सिर्फ 19 साल उम्र हुआ था और उन्होंने इस समय में उनके पारदर्शिता के साथ पूजा एवं अनुष्ठान आदि कर सकते थे। इसी परंपरा में आज के दिन वो पार्श्ववर्ती ग्राम चले गए पूजा करने हेतु। लेकिन जब गभीर रात्रि हो गया, मध्यरात अतीत हो गया, तब उनके माताजी सरलता के प्रतिमूर्ति चंद्रमणि देवी बेचैन होकर घर के बाहर आ गए एवं कंवरपुर से नज़दीक में एक दूसरा ग्राम था भुरसुओ,
तो घूर सुबह के ऊँट ताकते हुए वो कुछ दूर तक पहुँच गए, इतना अधीर उनका आग्रह था घूर सुबह को। और पूर्णिमा का रात्रि है, चतुर चंद्रमा का विवाह से सब भरा हुआ है, लेकिन उनके मन में बहुत चिंता होना स्वाभाविक है कि उनके ज्येष्ठ पुत्र तब अब तो कोई यही हुआ था, तो इतना रात हो गया अभी घर में वापस नहीं आया। तब देखा कि दूर से कोई आ रहा है, उन्होंने सोचा जे उनका बेटा ही आ रहा है ऊर से बगौर से, लेकिन जब नज़दीक आया देखे नहीं ये तो एक नारी मूर्ति है, एक असामान्य रूपवती नारी एवं सालांकार भूषिता एवं अत्यंत सुसज्जिता एवं बहुत कीमती वाला साड़ी पहने हुए है एवं ज्योतिर्मयी मूर्ति आ रहे हैं। लेकिन वो इतने सरल थे, उसका कोई मन में संदेह नहीं हुआ, इतना रात में ये अकेले ये नारी मूर्ति कहाँ से आ रहा है ये तो नहीं पूछा, लेकिन उसके ज़रूर एक प्रश्न पूछा कि आप कहाँ से आ रहा है। तुमने कहा मैं भूरसेवा ग्राम से आ रहा हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा पता है देखो भूरसेवा में मेरा बेटा भी गए हैं, आप क्या उनके बारे में कुछ बोल सकते हो? नाउ द क्वेश्चन इज सिर्फ वेरी नेम, एक अपरिचिता महिला उनके साथ तो राम कुमार का कोई परिचय होने का कोई इंगित भी नहीं है, वो कैसे बोल पाएंगे कि राम कुमार कहाँ है क्या है? पर उनका मन इतना उत्कंठित था, ये सब उन्हें विचार किया नहीं किया। तो साधारणतः क्या हुआ कि उन्होंने पूछा, तब उन्होंने नारी मूर्ति बोला हाँ हाँ वो तुम्हारा बेटा जहाँ पर पूजा कर रहे थे हम उसी घर से आ रही हो, तुम्हारा बेटा जल्दी आके पहुँच जाएगा। तब उनका वो चैन में सांस लाया, थोड़ा धारस्थ हुए, बहुत उद्ग्रीव था, एक सुसंवाद मिला। तब उन्होंने बताया, अभी उनका ख्याल हुआ देखो अभी बहुत रात ही हो गया, आप अकेले एक रमणी हो तो अकेले तो आपको अभी वापस जाना ठीक नहीं होगा, तो आप आज रात भर हमारे घर में आ जाओ। तो लेकिन वो रानी मूर्ति बोले नहीं नहीं हमारा अभी आपके यहाँ जाने का कोई अवसर नहीं है, हमें अनेक जगह में जाना पड़ेगा, नेचुरली लक्ष्मी पूजा में उनका अभी नाइट टूर करना पड़ेगा, प्रभातों के पहले भक्तगणों का कृपा करना पड़ेगा, वो सब नहीं बताया, बोला हम अभी अब ना नहीं पाएंगे तो परवर्ती काल में आएंगे। तो कहा जाता है कि जो महालक्ष्मी वचन दिया था ये पुनः आएंगे, उसी से ही हम लोग जो माँ का आगमन हुआ था परवर्ती काल में श्री माँ शारदा देवी के रूप में, ये कहा जाता है। तो लेकिन वो उन्होंने नहीं कहा, फिर उसको बातचीत करते हुए जो लाहा बाबू का जो यहाँ पर धान का मराई रहा है वहाँ पर चले गए, उनका कोई संदेह नहीं हुआ। ये बाद में आके उन्होंने फिर वो अपने पति देव को बता दिया, खुदीराम चट्टोपाध्याय को जैसी एक हमें दर्शन हुआ तो उन्होंने बताया अरे ये तो महालक्ष्मी का दर्शन हुआ तुम्हारा, आज कुजागरी लक्ष्मी का पूजा है और वो जो सबको प्रोत्साहित देते हुए आते हैं तो ये तो दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन उनको बोला ठीक है, तो माँ का जो रूप उनको दर्शन किया है वो देखते हुए वो मान लिया जी स्वयं महालक्ष्मी उनको दर्शन दिया है और उनके जीवन धन्य हो गए। जब
वो रामकुमार वापस आया तब ये घटना उल्लेख सुनते ही उन्होंने कहा कि आप बहुत परम भाग्यशील हैं, स्वयं महालक्ष्मी आपको जीता जागते रूप से दर्शन दे दिया। और इसी के बाद ही तो कमारपुर के उनके जो गरीबी बहुत संग्रामशील उस समय उनका परिवार था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सुधीराम चट्टोपाध्याय को देरे ग्राम से निर्वासित होके यहाँ पर वो नया बसदी जो कमारपुर में करना पड़ा, चरम आर्थिक संकट था। लेकिन इसके बाद ही उनके जीवन में परिवर्तन आया, राम कुमार का शादी हुआ, एक सौभाग्यवती जो लक्ष्मी के माँ हैं वो आके उपस्थित हुआ एवं जजन जजन भी ठीक से होते रहे और उनका परिवार में और आर्थिक संकट नहीं था। लेकिन यद्यपि उन्होंने बताया कि बाद में आएंगे, इसका परवर्ती काल में हम देखते हैं कि जयराम भाटी में जो राम कुमार मुखोपाध्याय का जो ये रामचंद्र मुखोपाध्याय एवं श्यामाचंद्री देवी का परिवार में श्री माँ शारदा देवी का आविर्भाव हुआ, जब उनके जीवन में भी बहुत आर्थिक संकट था और उनका जी स्तुति में कहा जाता है माँ का आविर्भाव के कि वही कुंठ होते लक्ष्मी एलो पृथ्वी रही माटीते ज्वारम माटीते ग्राम खानी जे धुन्न होलो माये चरण धुलीते माये चरण धुलीते 1260 आठी पुष मायर आविर्भाव माँ एलो जे तो माँ हेलो जे हरिते त्रिता पेरोताप दुखीर गले जन्म निल भक्त जना तराते माँ हेलो जे दूर करी ते त्रिता पेरोताप जो तीन प्रकार का ताप है उसे दूर करने के लिए माँ के आविर्भाव हुआ है। इसी भक्ति गीत में है तो उनके पिताजी बड़ा गरीब ब्राह्मण थे, निष्ठावान ब्राह्मण थे, तब वो सोच रहे थे कि वो संसार को निर्वाह करने के लिए वो कोलकाता में स्थानांतरण करेंगे। जैसे सोच रहे थे एक दिन देखा कि एक छोटी सी बालिका अपूर्व सुंदरी एवं उनका जो गात्र वर्ण स्वर्णोज्ज्वल है वो आके उनको गला पकड़ के कह रहे थे, तो बोले तुम कौन हो माँ? तो बोले मैं तुम्हारे घर में आई हूँ। तो उनका तो बहुत ही अच्छा आश्चर्य लगा जो स्वयं देवी लक्ष्मी उनको घर में आ रहे हैं और इसी और साथ साथ उनके पत्नी श्यामा सुंदरी देवी का भी ऐसे अनुरूप अनुभव हुआ। वो जब गए थे सीहड़ में अपने पैतृक बसले में, जब एक दिन रात में वो सोच में गया था तब देखा जे एक जो बालिका परमा सुंदरी बालिका उनके गला पकड़ के कहते आमी तुम्हारे घर एलुम्मा, अपने आप जी आई हैव कम टू योर होम। तो अभी उसी समय श्यामाचंद्र जी का अनुभव हुआ जो उनके जो पेट में कुछ एक वायु का उद्भव हुआ एवं वो जो उनका गर्भ का एक सूत्रपात हुआ अलौकिक उपाय से। फिर उसी परंपरा में श्री माँ शारदा देवी का आविर्भाव हुआ एवं बचपन से ही वो यथार्थ वो देवी मातृका का जीता जागता रूप थे। उनका जो ये विवरण है बाल्यकाल का सब आदमी का वो मन चुरा लेते थे। तो अभी जो उनका जो श्री माँ शारदा देवी का जब उनको श्री रामकृष्ण के साथ परिणय हुआ तभी श्री रामकृष्ण ने कहा करते थे ये है स्वयं लक्ष्मी। एवं परवर्ती काल में भी श्री रामकृष्ण बारंबार उल्लेख किया था कि ये साधारण नहीं है। श्री रामकृष्ण का कहना था कि जो माँ काली
लक्ष्मी एवं सरस्वती तीनों मूर्ति का समाहार है श्री माँ शारदा देवी में। विभिन्न प्रकार से उन्होंने कहा ये लक्ष्मी है, सरस्वती है, माँ काली है, तीनों रूप ही श्री रामकृष्ण ने बताया। जब एक दिन से श्री माँ शारदा ने पूछा मैं तुम्हारा कौन हूँ, तो उन्होंने बताया जो माँ मंदिर में पूजिता हो रही है और जो माँ भगवतन जो हमारा गर्भधारणी है नवावत में रहते हैं और जो माँ अभी हमारा पद सेवन कर रहे हैं वो तीन एक है। एवं बारंबार बोला वो शारदा सरस्वती ज्ञानदायिनी ज्ञानदान करने के लिए आए हैं, एवं उनको महालक्ष्मी के रूप में भी उन्होंने उल्लेख किया। एक बार वो एक संत को एक सन्यासी को कमर पर कहा था कि सीमा शारदा माँ शारदा के हाथ से कुछ भोजन करना माँ भाग्य का बात है, इसलिए श्री रामकृष्ण बराबर श्री माँ का परोसा हुआ वो भोजन लेते थे। तो खाना उनका भोजन श्री माँ शारदा स्वास्थ्य प्रस्तुत करते में खिलाते थे। एवं उन्होंने कहा कि ये साक्षात भगवती लक्ष्मी है। जब श्री रामकृष्ण के अंतर्ध्यान के बाद ध्यान के बाद जो परंपरा है कि वैधव वेश धारण करते हैं एवं अलंकार खोल देते हैं, जब श्री माँ शारदा देवी अपना अलंकार खोलने की किया कंकन, तब श्री रामकृष्ण आविर्भूत होकर हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं मत किया करो। समझ में नहीं पाया क्योंकि सामाजिक प्रथा है, तो बोले फिक्र न करो तुमको गोरदास जी आके सब बताएंगे। उनके महिला भक्त गोरदास आए थे, उनको तो समझाया कि ये जो उनका जो स्वामी है वो चिन्मय धाम है, चिन्मय स्वामी है, उनका कोई मृत्यु नहीं होता है और श्री माँ शारदा देवी स्वयं महालक्ष्मी है। अगर वो अपना अलंकार विभूषित ना रहे तब अगर उनका साथ में अलंकार चला जाएगा तो पूरा जगत निष्ठ हो जाएंगे, इसीलिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है पहले से बताया। परवर्ती काल में जो स्वामी निरंजनानंद जी आदि तो मुक्त कंठ में घोषणा करते थे अगर श्री रामकृष्ण स्वयं भगवान है तो सीमा शारदा देवी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, वो स्वयं भगवती है और उनको उसी अनुसार पूजा एवं श्रद्धा निवेदन करना चाहिए। यद्यपि सीमा शारदा देवी बहुत लज्जाशीला थी, आप लोग गोपन करके करने के लिए प्रयासी थे, लेकिन ये स्वामी निरंजन जी प्रमुख जो उदात्त कंठ में आह्वान करके घोषणा किया, तो इनका जो महत्व अभी सीमा शारदा देवी के जीवन में भी हम देखते हैं कि जब वो कमारपुकुर में रहा करते थे, नववधू है, अकेले उनका वो भवन से जाके हल्दारपुकुर में थोड़ा दूर है वो स्नान करने के लिए जाते थे, तो थोड़ा उनका डर लगता था स्वाभाविक वो आकर, तो उन्होंने आश्चर्य जो के देखता था कि जब वो पीछे वाला दरवाज़ा खिड़की के दरवाजे से निकल कर रास्ते में पैर लगाया तभी उनके सामने चार और पीछे चार सखियाँ ले जा रहे हैं बारात करके। उनने कुछ समझ में नहीं पाया ये लोग कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सेवा कर रहे हैं, तो लेकिन उन लोगों ने बदले उनको देखभाल करके स्नान करते समय रहते थे, स्नान करते फिर पूछा थे कि और चले जाते। तो बाद में पता चला ये माँ का अष्ट सखी जो महालक्ष्मी है उनका आठ प्रकार का प्रकाश होता है, अष्ट प्रकार का जो लक्ष्मी और श्री माँ शारदा देवी वही आठ प्रकार का लक्ष्मी की समाहार शरीर है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एट फोल्ड वेराइटीज ऑफ द लक्ष्मी। तो श्री माँ शारदा देवी को इसी दर्शन भी किया जैसे कि मनोमान मित्र ठाकुर के एकांत घनिष्ठ भक्त थे, उन्होंने श्री माँ शारदा देवी की गुरुपत्नी है दूर से प्रणाम करते थे, एक दिन देखा उन्हें अचानक भावस्थ होकर कि
कि स्वयं महालक्ष्मी छोटा से कपड़ा पहन के उनके सामने आविर्भूत है, एवं उनके सामने जो भयानक दो सुसंधिता जो ये उनके सामने आया तो देख के वो बहुत आश्चर्य हो गए। अरे जो हनुमान मित्र का जो दर्शन हुआ था, माँ एकदम बैठे हैं देवी लक्ष्मी के रूप में, असामान्य रूपवती है, अनेक प्रकार का अलंकार भूषिता है, एवं उनकी जो वस्त्र है साड़ी है अत्यंत उज्ज्वल है, एवं उनका मुस्कान जो हास्य में चारों ओर भरपूर हो गया, जहाँ जहाँ दृष्टि दे रहे हैं वहाँ पर कमल खिल रहे हैं, एवं उनके जो आसन के नीचे जो दो सूंड उठाकर तो वहाँ वो हस्ती वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये सब देखते हैं वो तो ताज्जुब बन गए कि स्वयं श्री माँ शारदा देवी को उनको दर्शन हुआ एकदम साक्षात महालक्ष्मी के रूप में। तो वैसे ही मां थे अष्टसखी का समाहार, उसके आठ प्रकार का जो लक्ष्मी का विवरण शास्त्र में है। प्रथम है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी का मतलब वो हमारे जो शस्य का जो समय होता है वो शस्य में सबको भंडार परिपूर्ण कर देते हैं। द्वितीय उनका अभिव्यक्ति है कि वीर लक्ष्मी, जो हमारे बुद्धि मदद करते हैं, हमारे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें चारों ओर से धारण करते हैं, वीरलक्ष्मी है। तृतीय है कि धनलक्ष्मी, जो हमारी जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, जो हमारी लक्ष्मी का जिसको कहलाता है, ये सब को बोला मूर्ति प्रतिमूर्ति मूर्तिमान प्रतिमूर्ति है। फिर चौथा जो अष्ट लक्ष्मी की अष्टम लक्ष्मी का है वह संतान लक्ष्मी। माँ की कृपा से जो सौभाग्यवती जो नारी आते थे उनका संतान लाभ होता था। माँ के पास उन लोग दुख लेके आते थे, संतानहीना जो नारी आती थी माँ उनको उत्साह देते हुए ठाकुर के पास प्रार्थना करते थे। ठाकुर को प्रार्थना कर दिया तो मैं फिक्र न करो, और उसके बाद देखा जाता कुछ दिन बाद जो अपना गोद में जो नवजात शिशु लेके आते हैं, अतः माँ की कृपा से संतान में उत्पादन होता था जो नारियों के बीच में लक्ष्मी का एक प्रकाश है। फिर उसमें पंचम है कि आपका जो शांतन सहानुभूति करुण्या लक्ष्मी, माँ का करुणा माँ का दया ये सब अपलुत हो जाते हैं। ये माँ के एक एस्पेक्ट है, एक विशेष रूप है, जो विशेष उनका मात्रा है। उसका आगे है षष्ठ प्रतिमिति है गज लक्ष्मी, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो प्राप्ति होते हैं उसका जो आध्यात्मिक प्राप्ति देने वाला है गजलक्ष्मी। माँ का गजलक्ष्मी का मूर्ति से हमें आध्यात्मिकता का साफल्य मिलता है। उसके आगे है जो सप्तम है जो विद्या लक्ष्मी, नाना प्रकार के विद्या का जो अधिष्ठात्री है माँ को आराधना करने से वो भी मिल जाता है। फिर उसके आगे है विजय लक्ष्मी और जयलक्ष्मी, जो हमें जीवन में जो साफल्य देते हैं, विजय लाते हैं, हमें सबसे पहले प्रस्तुत कर देते हैं। ये आठ प्रकार का जो लक्ष्मी का विवरण है, माँ एकदम समार है। जो ये कहा जाता है कि हमारे जो चतुर्वर्ग है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पाने के लिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। साधारणतः व्यक्ति के लक्ष्मी के पास आते हैं धर्म का ये काम और अर्थ मांगते हैं। साधारणतः हम सोचते हैं जैसे माँ लक्ष्मी है उनसे धन प्राप्ति होना चाहिए, किंतु ठाकुर जी कहते थे ऐसी नहीं है। माँ न केवल धन देने में समर्थ है और जो काम पूर्ण करने के लिए माँ का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन माँ का प्रथम है
धर्म एवं मोक्ष, श्रीसा प्रसन्न भगवती निरम भगवती मुक्त, तो वो आपका कृपा से हमारे मुक्ति लाभ होता है, तो मुक्ति प्रार्थना करना चाहिए। ठाकुर सिखाया कि कैसे माँ को पास प्रार्थना करना चाहिए, जिसे उनके साधन के अंतिम में जब उनने सोचा कैसे इसको प्राप्त करेंगे, तब गंगा के किनारे में हाथ में रुपया लिया और मिट्टी लिया, और रुपया ही मिट्टी है रुपया करके वो दोनों ही गंगा में फेंक दिया। फिर बाद में ठाकुर कहते हैं, बाद में हमारा जो वो शंका हुआ कि अगर माँ को हम जो जलांजलि दिया, अगर हमारा खाना बंद हो जाए तो कुपित होंगे। तब किसी ने बचाया, तब क्या किया, तो ठाकुर ने कहा तब हम थोड़ा सोच के जी बोला जी माँ तुम मेरा हृदय में रहो, ताकि माँ क्रुद्ध ना हो जाए, हमारा खाना पीना बंद ना करे। किसी ने बताया ये तो पटवारी है, ये आपको चालबाजी है, बोला हाँ ये थोड़ा चालबाजी है। ठाकुर ने स्वीकार कर दिया। तुम्हें सिखाया कि माँ के पास कभी अर्थ का धन का प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हमें त्याग वैराग्य विवेक प्रेम करुणा ये सब प्रार्थना करना चाहिए, माँ वो देने में समर्थ है, देने के लिए माँ बैठे हैं। तो माँ के पास ये प्रार्थना करने से जीवन पूर्ण होता है। जो ठाकुर के आविर्भाव के उपरांत जो सीमा शारदा देवी हमारे जीवन में आए हैं आशीर्वाद करने के लिए, ठाकुर के भक्तगण भी निरंजनानंद आदि सबको सिखाया कि सीमा शारदा देवी के माध्यम से ही हमारे जीवन में सर्व प्रकार का कल्याण सिद्धि एवं प्राप्ति होती है, एवं कुजागरी लक्ष्मी पूजा उनका एक सांकेतिक पूजा है। तो आज के दिन सीमा शारदा देवी की याद रखते हुए हम कुजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा ये लक्ष्मी पूजा करेंगे, एवं माँ के चरण में प्रार्थना करेंगे कि हमें यथार्थ भक्ति प्राप्त हो, हमें ज्ञान प्राप्त हो, एवं हमें बुद्धि प्राप्त हो, विद्या प्राप्त हो, ताकि हमारा जीवन बराबर शांति एवं सुख में समृद्ध होते रहें, एवं हम सबको सेवा करते हुए जीवन को चरितार्थ कर सकें। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज लक्ष्मी पूजा के पावन अवसर पर लखनऊ आश्रम में पूजा होगी। लक्षणीय है कि आज शाम को 8:41 के बाद ही जो मुहूर्त शुरू होगा पूर्णिमा, तो अभी उसी अनुसार जो कार्यक्रम है शाम को 8:15 में पुजारी लोग मंदिर में मंडप में बैठेंगे। यद्यपि ठाकुर की संध्या आरती लखनऊ आश्रम में 6:05 में हो जाएगा, और आज लक्ष्मी पूजा है इसीलिए कोई शोरगुल आवाज़ घंटा और ये सब नहीं होगा, तो वाद्य यंत्र जो पखवाज तबला ये सब नहीं चलेगा। तो अभी शांत होकर हम, क्योंकि महालक्ष्मी चंचला है, आवाज़ शोरगुल होने से चले जाएंगे, तो माँ को इधर रहने का और पूजा लेने के लिए शर्त है हम लोग शांत होकर मौन होकर प्रार्थना करते रहें, पूजा करते रहें। एवं आश्चर्य की बात है, इस रात को अगर कोई भक्तिभाव की पूजा करे, हम लोग देखते हैं कहाँ से पेचक्का के उपस्थित हो जाता है, आउल आगे मंदिर के किनारे बैठ जाता है। आश्चर्य की बात है, ताकि ये संकेत देते हैं माँ आके आज उपस्थित हुए हैं पूजा ग्रहण करने के लिए। फिर उस समय में हमारे जो आज के जो कार्यक्रम है, तो यद्यपि 8:15 में ये लोग पूजा के बैठेंगे, लेकिन पूजा का जो शुरुआत होगा तो वो इसके बाद ही इसका शुरू होगा, एवं लक्ष्मी को 8:41 के बाद
तो उसके बाद हमारे पुष्पांजलि शाम को होगा 9:30 बजे एवं उसके बाद भोगार्पण होगा 9:40 में एवं भोगारती 10 बजे होने के बाद 10:10 से हवन 11 बजे तक चलेंगे। अतः भी प्रसाद वितरण के साथ पूजा समापन। तो आज की ये पावन तिथि में हम सब मिलकर श्री माँ महालक्ष्मी एवं श्री माँ शारदा देवी समर्थक है उसके चरण में प्रार्थना करें ताकि हमारा जीवन पवित्र हो जाए एवं हम बराबर के लिए माँ को प्राप्त कर सकें। जो धन प्राप्ति का अगर हम प्रार्थना रहें तो धन तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील बराबर नहीं रहता है, तो माँ की अगर हम कृपा से माँ को हम प्राप्त कर सके, इसे श्री रामकृष्ण ने सिखाया माँ तुम्हें हृदय थको ताकि उनके साथ उनके बराबर जो प्रोटेक्शन रिश्ता बने रहें। तो इस परंपरा में आज हम माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।